चलो तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है यूनिट एंड डिमेंशन। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि यूनिट क्या होता है और क्यों हमको उसका पड़ता है ज़रूरत। ऐसे तो तुम लोग को यूनिट के बारे में बेसिक आइडिया होगा, मेनली जो हमको पढ़ना है वो डिमेंशन पढ़ना है, वो एक नया टर्म होगा तुम लोग के लिए डिमेंशन। तो उससे थोड़ा देर पहले 5 मिनट करते हैं चर्चा ऑन यूनिट। वो जैसे मान लो कि मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में क्या आता है कि काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटी आते हैं और आपको उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होता है। अब वो मेरा फिजिकल, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हमको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है और उस मेजर करने के लिए, उस फिजिकल क्वांटिटी का कितना अमाउंट है उसको मेजर करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट का पड़ता है जरूरत। अब वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, उसका क्यों पड़ता है, जो मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं कि जैसे एक मेरे पास हाथी है और एक बकरी है, एलिफेंट और गोट। तो हम बोलते हैं कि एलिफेंट इज हेवियर देन गोट। अब सवाल होता है कितना टाइम्स, बाई हाउ मच टाइम्स, कितना टाइम एलिफेंट हेवियर है देन गोट। तो अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे मान लो कि अगर हम बोले कि गोट इज 20 टाइम्स हेवियर देन स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने माना है, एंड एलिफेंट इज 200 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने माना है। तो मेरा अगर गोट था 20 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू और जो मेरा एलिफेंट है वो है 200 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू, तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एलिफेंट एलिफेंट इज 20 टाइम्स हेवियर देन द गोट। तो बस अपना ऐसा है कि वो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट एक मानते हैं, एक हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं, ठीक है ना, और उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, उसको हम बोलते हैं यूनिट। जैसे हम बोलते हैं 20 kg, 50 kg, तो 1 kg हमने कुछ स्टैंडर्ड मान के रखा है। अब हम जब बोलते हैं कि 5 kg, मेरा ये किसी कोई सब्सटेंस है उसका मास 5 kg, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस जिस स्टैंडर्ड चीज को 1 kg माना था उसके 5 टाइम्स ये हेवियर है, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए ये बिना यूनिट का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। बिना जब भी हम लोग कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना होता है तो हमको यूनिट का यूज करना ही होगा। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ से हावड़ा का डिस्टेंस 5 है और 5 का कोई मतलब नहीं बनता कि हमने सिर्फ 5 बोला है, तो तुमको वहां पे ऐड करना हो कि आपने कौन से यूनिट से उसको कंपेयर किया या कौन सा यूनिट आपने चुना है और उसका कितना टाइम्स है, आपको वो बोलना होगा। तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ से हावड़ा का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो ये बात सही होगा कि आपने जो स्टैंडर्ड रेफरेंस माना है, जो आपने यूनिट माना है, वो आपने माना है किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और आप बोल रहे हो कि उसके 5 टाइम्स, उसके 5 टाइम्स यहाँ से हावड़ा का डिस्टेंस है, तो ये फिर सही आपका इन्फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी कहानी यही है कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमको यूनिट, आप कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको कर रहे हो कंपेयर, वो इम्पॉर्टेंट होता है और उसको हम बोलते हैं यूनिट। अब होता क्या है कि जैसे यूनिट हम लोग अपने मन से कुछ नहीं मान सकते हैं, हम लोग को पूरा वर्ल्ड वाइड उसका ये होना चाहिए कि हाँ भाई सब लोग ये मानेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि हमने मान लिया है कुछ और यूनिट और कोई और जो लोग हैं यहाँ से बाहर उसने कुछ और मान लिया यूनिट, तो फिर अपना काम नहीं बनेगा। तो मेरा जो भी यूनिट होता है वो वर्ल्ड वाइड ऐसा सबका होना चाहिए सहमति कि हाँ भाई सब लोग हम लोग खुश हैं, तब ऐसे यूनिट कोई चीज़ माना जाता है। तो आपने यूज भी किया है मास का, केजी, लेंथ का, मीटर, ये सब आप जो यूज करते हो तो वो सब आपका वर्ल्ड वाइड ही वो माना जाता है, तो हम लोग उसको यूज करते हैं। अब और मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपल सा तुमको यूनिट्स का आइडिया हो गया है। तो ये जो यूनिट का नाम देने के लिए या कौन से यूनिट का कितना स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, उसके लिए एक तुम्हारा कमेटी है और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आप जिसको SI बोलते हो यूनिट, तो वही तुम्हारा हो गया वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक कमेटी है जो कि करता है डिसाइड, यूनिट किया है कि इसका यूनिट ये होना चाहिए, उसका यूनिट वो होना चाहिए। अब जब भी हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है दो टाइप का। एक आपका होता है फंडामेंटल और जिसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी, और दूसरा आपका होता है डिराइव्ड, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और हमारे इससे SI यूनिट में, मतलब कि ये जो
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटी को, 7 ओनली 7 फिजिकल क्वांटिटी को इस फंडामेंटल वाले लिस्ट में रखा है, और बाकी उसके अलावा ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटी हजारों आते हैं, उसके अलावा और जितने आते हैं उनको हम रखते हैं इन द कैटेगरी ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेस का मतलब ये होता है कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, वो किसी चीज़ से बने नहीं है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो कहीं से डिराइव नहीं हुए हैं, सिंपल सा, दे आर इंडिपेंडेंट, वहाँ से बाकी और सब चीज़ बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल। और नाम से ही आपको लग रहा हो कि ये जो डिराइव्ड वाला है वो फंडामेंटल से बनता है, मतलब ये फंडामेंटल जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी है उसको, उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे जो डिराइव्ड वाले हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का खासियत ये होता है कि द फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, देस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। और सेकेंड जो पॉइंट है कि ऑल अदर क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके अलावा जितने भी आपके डिराइव्ड वाले हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन से वो 7 फंडामेंटल आपके बेस क्वांटिटीज हैं जिनको एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने फंडामेंटल कैटेगरी में रखा है, और उनका यूनिट्स क्या है। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनका जो यूनिट होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। जो मेरे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उनका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट उनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 आते हैं। अच्छा, तुमने मेरे ख्याल से क्लास 9 या 10 में एक और नाम सुना होगा यूनिट का, ऐसे तो हम लोग मेनली करते हैं यूज एसआई यूनिट, तुमने एसआई के साथ साथ तुमने सीजीएस यूनिट का भी नाम सुना होगा। तो सीजीएस यूनिट भी हम लोग का काफी जगह क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, हालांकि जहाँ पे तुम्हारा जैसे स्मॉल जहाँ पे होता है मेजरिंग, वहाँ पे हम लोग सीजीएस यूनिट भी यूज करते हैं। जैसे तो सीजीएस का मतलब ये होता है ना, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड, मतलब कि एक ऐसा यूनिट जहाँ पे हम लोग लेंथ का मानते हैं यूनिट सेंटीमीटर, और मास का मानते हैं ग्राम, और टाइम का मानते हैं सेकेंड, तो उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। और एक तुम्हारा आता है एमकेएस, तुम्हारा एमकेएस, एमकेएस ये भी तुम्हारा एक सिस्टम है जो कि अब इसमें वो लोग यूनिट का ही सिस्टम है। तो इसमें वो लोग ये जो लेंथ को मानता था मीटर, मास को माना था केजी, और टाइम को मानता था सेकेंड। और तुमको अगर बेसिक आइडिया हो तो इन एसआई यूनिट्स आल्सो हम लोग मास लेते हैं केजी में, लेंथ लेते हैं मीटर में, और टाइम लेते हैं सेकेंड में। मतलब ये जो अपना एसआई है ना, एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। एमकेएस सिस्टम जो था उसी को एक्सटेंड करके, उसमें ही कुछ और चीज ऐड करके हमने उसको एसआई यूनिट बनाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम लोग, हाँ, तो वो तुम्हारा होता है यूज इन यूके मेनली, जो वर्ल्ड वाइड तुम्हारा यूज होता है वो तुम्हारा है एसआई यूनिट, बाकी सबका वो फुट पाउंड भी है, लेकिन वो हम लोग जनरली बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, मेनली हम लोग सीजीएस और ये एसआई यूनिट्स ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो एसआई में हम जा रहे हैं बात करने फंडामेंटल, और बेस क्वांटिटीज, तो इसमें 7 आते हैं, मैं इनका नाम लिखता हूं। तो ये 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी हैं जिनको एसआई में रखा हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने रखा है। और उसका नाम देखो हमने लिखा है, जो क्वांटिटी है फर्स्ट कॉलम में लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। ये 7 जो आपके होते हैं ये होते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, और बाकी इन्हीं 7ों से मिलकर, और जो हमारे डिराइव्ड वाले हैं जो आप जानते हो, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, टॉर्क, जो भी आप जानते हो, प्रेशर, वो सब आते हैं अंडर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो सब इनसे मिल के ही बनते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड। फंडामेंटल सिर्फ ये 7 हैं, और उनका मैंने नेम ऑफ द लिखा है यूनिट भी, और सिंबल भी लिखा है। अब ये जो नेम ऑफ द यूनिट मैंने लिखा है, ये मैंने एसआई यूनिट को वो ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिखा है एसआई यूनिट में। अब देखिए, तो जब एमकेएस जो सिस्टम था, ये जो एमकेएस सिस्टम, तो उसको एक्सटेंड किया गया, तो ये मेरा बना है एसआई सिस्टम। और इस एसआई सिस्टम में 7 तो हैं फंडामेंटल, 7 तो हैं फंडामेंटल यूनिट्स या फिर आपके सिंबल्स
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, दो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और ये दो जो आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं, ये आते हैं फॉर प्लेन एंगल एंड फॉर सॉलिड एंगल। ये जो आपका प्लेन एंगल है, इसका होता है यूनिट रेडियन, या फिर जो आप करते हो मेजर इन डिग्री, रेडियन या फिर डिग्री इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल के बारे में आपने शायद अभी तक चर्चा नहीं सुना होगा। जब हम लोग 3D का बात करते हैं, थ्री डिमेंशनल सरफेस का, तो वहां पे आता है तुम्हारा चर्चा ऑफ सॉलिड एंगल। और जो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया होगा सर्कुलर आर्क को लेके या जो ट्रायंगल को लेके, वहां पे आपका आता है प्लेन एंगल, तो उसका होता है यूनिट डिग्री या फिर रेडियन। आपने जो अभी तक काम किया होगा वो मेनली किया होगा डिग्री में, लेकिन आपको फिजिक्स वाले में मेनली रेडियन भी आता है बहुत जगह। और सॉलिड एंगल ये आपका आता है जब हम थ्री डिमेंशनल सरफेस का बात करते हैं, तो वहां पे आता है आपका सॉलिड एंगल। और इसका जो होता है यूनिट वो आपका होता है स्टेरेडियन। मैं इसका नाम लिखता हूँ पूरा, देखो तो ये आपका हो गया यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, मैंने इसको लिखा है स्टेरेडियन से। और इसका जो सिंबल होता है ना, वो होता है ओमेगा। ओम जो आप लोग पढ़ते हो ना, ओम का जो था सिंबल, वही होता है तुम्हारा सिंबल ऑफ स्टेरेडियन भी। और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एस आर से, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं एस आर से। इसका सिंबल होता है ओमेगा। ये जो आपका रेडियन है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होता है रेडियन। तो ये तुम्हारा हो गया यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमारे दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, एक तुम्हारा हो जाएगा रेडियन और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा एस्टेरेडियन और एंगल। तो हमारे एसआई सिस्टम में सात फंडामेंटल यूनिट्स हैं और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। अब देखो ये जो हमारे दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जैसे ये मान लीजिए प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल, ये ऐसे क्वांटिटी होते हैं, ये ऐसे क्वांटिटी होते हैं ना कि जिनके पास सिर्फ यूनिट ही होता है, इनके पास डिमेंशन नहीं होता है। डिमेंशन क्या होता है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इनके पास यूनिट होता है, डिमेंशन नहीं होता है। तो अगर तुमको कुछ ऐसा मिले कि आप कुछ दो ऐसे क्वांटिटी का नाम बताइए जिसके पास यूनिट हो और डिमेंशन ना हो, तो आप लिखना प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये अपना था बेसिक कहानी ऑफ यूनिट्स। अब इन सब का डेफिनेशन भी होता है कि 1 kg क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, तो मैं उस पर अभी नहीं जाता हूँ। अपने क्लास 9 में सीखा है। मेन जो अपना कहानी है कि बेसिक आइडिया हमको यूनिट्स का, वो मैंने तुमको बता दिया। अब जो मेनली हमको पढ़ना है, वो हमको पढ़ना है डिमेंशन के बारे में, तो उस पर हम लोग करेंगे अच्छे से चर्चा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं डिमेंशन। तो अब हम लोग करते हैं शुरू टॉपिक डिमेंशन। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इसका डेफिनेशन और उसके बाद मैं तुमको समझाता हूँ। तो इसका डेफिनेशन होता है, डिमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवेन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि इसके डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके एक्सप्रेशन में जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो थे, जो हमने सात फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा था, आपको उसके टर्म में उस आपको उस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में आपको इस फिजिकल क्वांटिटी को शो करना है, और वहां पे देखना है कि वो जो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी था उसका कितना पावर रेज हुआ है, उसका कितना पावर रेज हुआ है। और वो आपको बताता है डिमेंशन, वो जो पावर होता है ना वो आपको बताता है डिमेंशन। देखो इसको हम समझते हैं एक, चलो तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्पल का कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कितना पावर रेज है। तो जैसे मान लो कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे क्या मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो आंसर होगा हाँ, मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो उसका पावर हमको दिख रहा है कि फोर्स के एक्सप्रेशन में मास का पावर 1 है।
लेकिन एक्सलरेशन इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये जो अपना एक्सलरेशन है वो सात फंडामेंटल वाले जो हमने सीखा था उस लिस्ट में ये आता नहीं है, तो ये डिराइव ही होता है क्योंकि हम लोग उसको करते हैं पहले स्पीड बाय ए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फिर वहां पे टाइम होता है, टाइम इज फंडामेंटल बट वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल। वैसे यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो भी हमारा जो गिवेन सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट का, उस सिस्टम में मेरा एक्सलरेशन फंडामेंटल नहीं है। तो मतलब कि हमको इस फोर्स को थोड़ा सा और ब्रेक करना होगा इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। तो उसके लिए मेरे को एक्सलरेशन को ब्रेक करना होगा। मास को हम लोग छोड़ देते हैं और ब्रेक करते हैं एक्सलरेशन को। तो हमने पढ़ा है कि एक्सलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो तो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, हम लोग यहाँ पे वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ वैल्यू का बात नहीं कर रहे हैं। तो जो होता है आपका यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वही होता है आपका वेलोसिटी का भी यूनिट, तो हम लोग उससे काम चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए बराबर वी बाई टी, तो हमको यहाँ से मिला। अब देखो तो हमको यहाँ से मास और टाइम फंडामेंटल मिल गया, हमको मास और टाइम फंडामेंटल मिल गया, लेकिन वी फिर से मेरा क्या है, वी जो वेलोसिटी था वो फिर से फंडामेंटल नहीं है, तो हमको उसको फिर से ब्रेक करना होगा। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम हम उसको बोल सकते हैं ना, या फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आपका डिस्टेंस हो या फिर हो आपका ये डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट से नहीं होता है, तो हमको उसे मतलब तो है नहीं, बस हमको लेंथ से मतलब है कि लेंथ बाई टाइम इज ये वेलोसिटी। तो जो भी था वहां पे हमने लिख दिया क्या, लेंथ बाई टाइम। अब देखो ध्यान से, अब हमको तीन चीज मिला, मास टाइम और लेंथ, और ये तीनों क्या है, तीनों का तीनों फंडामेंटल हो गया। मतलब कि हम लोग एक्सप्रेशन फॉर फोर्स जो हम लोग लिखेंगे इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या आने वाला है, देखो वो आपका आ जाएगा मास का पावर वन, लेंथ का पावर वन इंटू टाइम का पावर माइनस टू, है ना। देखो मैंने जब इस फोर्स को एक्सप्रेस किया इन द टर्म ऑफ बेसिक फंडामेंटल जो मेरे फिजिकल क्वांटिटी थे बेस वाले, तो उनमें क्या है, उनमें मास का पावर वन आया है, लेंथ का पावर वन आया है और टाइम का पावर माइनस टू आया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं वैल्यूज का बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई भी करा हो, 250 100 कुछ ऐसा मल्टीप्लाई भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ बस पावर का, मेरा फंडामेंटल जो क्वांटिटी थे उनका पावर कितना हो रहा है रेज। तो हमको देखा कि मास का पावर वन है, लेंथ का पावर वन है, टाइम का पावर माइनस टू है। अब ये जो पावर है ना वन वन और माइनस टू, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमेंशन। मतलब कि हम बोलेंगे कि फॉर फोर्स, लाइक फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास का डिमेंशन वन है, लेंथ का डिमेंशन वन है और टाइम का डिमेंशन माइनस टू है। टाइम का डिमेंशन माइनस टू है और इसके अलावा जो और चार फंडामेंटल क्वांटिटी थे, या जो चार फंडामेंटल हाँ क्वांटिटी थे, उनका पावर जीरो है क्योंकि वो यहाँ तो है नहीं, तो उनका पावर क्या हो सकता है, उनका पावर हम बोलेंगे उनका पावर जीरो था। तो ये आपका हो गया डिमेंशन कि आपको किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बेस वाले या फंडामेंटल वाले जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके पावर के टर्म में आपको रेज करना है। फिर ये जो पावर है वो शो करता है हमको डिमेंशन। बोलो अब ठीक है, यहाँ से ऐसा समझ में ना क्या होता है डिमेंशन। ओके अब देखो तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एम, अब इसको मेरे को लिखना चाहिए मास। तो मास इंटू मास का पावर वन, लेंथ का पावर वन, टाइम का पावर माइनस टू। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये ऐसा पूरा नाम लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हमने इनके लिए कुछ हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं कि जहाँ भी हमको डिमेंशन का बात आता है तो पूरा हम लोग मास का पावर वन, लेंथ का पावर वन और टाइम का पावर माइनस टू नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। तो वो तुम लोग सिंबल्स देखो क्या होता है। फॉर मास हम लोग करते हैं सिंबल यूज कैपिटल एम, ठीक है, मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए, लेंथ बोले तो आपका डिस्टेंस हो जाए कुछ भी हो जाए, लेंथ के लिए हम करते हैं यूज कैपिटल एल, टाइम के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल टी, करेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल ए, कहीं कहीं भी आपके आपको आई भी दिखता है, ओके ए और आई दोनों यूज किया जाता है। और जो आपका टेम्परेचर था, टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं थीटा, ऐसे लिखते हैं थीटा, केल्विन भी यूज करते हैं, के भी यूज करते हैं, के केल्विन, केल्विन उसका यूनिट होता है, तो हम
लोग थीटा या फिर के लिखते हैं। तो ये हम लोग सिंबल यूज करते हैं कि इन ये सिंबल फॉर द डिफरेंट फंडामेंटल आपके जो फिजिकल क्वांटिटी थे। मतलब कि ये देखो यहाँ पे हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स का डिमेंशन, तो फॉर मास लिखेंगे कैपिटल एम, तो पावर वन है तो सिर्फ आप वन एम भी छोड़ सकते हो। लेंथ का पावर था वन तो हमने सिर्फ एल छोड़ दिया, और जो टाइम का पावर था आपका -2 तो हम लिख दिया टी का पावर -2। तो दिस इज द डिमेंशन ऑफ फोर्स, और हम लोग इसको ये ब्रैकेट में शो करते हैं, ऐसे ये ब्रैकेट में हम लोग शो करते हैं डिमेंशन को। तो एम एल टी का पावर -2, दिस इज द डिमेंशन ऑफ द फोर्स। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमको डिमेंशन लिखना होगा। तो फिलहाल कैसे लिखते हैं ये तुमका समझ में, कैसे हम लोग को लिखना है डिमेंशन? ठीक है, ओके। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप लिखो डिमेंशन ऑफ ए स्पीड, तो इसका यूनिट सबको पता है क्या होता है? इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, या इसका केम पर आवर भी होता है। तो यूनिट चेंज करने से आपका डिमेंशन चेंज नहीं करता है, ठीक है? आप यूनिट उसका रखो मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, आप कुछ भी रखो उसका डिमेंशन चेंज नहीं होगा। ओके, तो मीटर पर सेकंड, या हम लोग जो इसको लिखते हैं तो इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, डिस्टेंस बाई टाइम। अब जो अपना डिस्टेंस था तो उसके लिए हम करते हैं यूज डिमेंशन कैपिटल एल, और बाई टाइम था तो उसके लिए करेंगे टी का पावर -1। तो डिमेंशन ऑफ स्पीड इज एल टी का पावर -1, और बाकी जो और फंडामेंटल थे उनका पावर हो जाएगा 0। मतलब कि आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और अच्छे आप ऐसे लिखिए एम का पावर 0, एम का पावर 0 एल टी का पावर -1। इसके अलावा जो और हमने नए लिखे हैं उनका भी पावर 0 ही है, समझे ना? तो ऐसे हम लोग लिखते हैं डिमेंशन। बोलो सब लोग, ओके। अब जैसे मान लो कि हमको लिखना हो डिमेंशन ऑफ एरिया, तो वो क्या होता है? वो होता है लेंथ इनटू लेंथ, वही होता है ना, लेंथ इनटू लेंथ। तो मतलब ये तुम्हारा होता है सिंपल लेंथ का होल स्क्वायर, आप बोल सकते हो। तो लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ का होल स्क्वायर। तो इसका जो हम लोग लिखते हैं डिवीजन वो तुम्हारा हो जाएगा एल का पावर 2, हो गया। सिमिलरली फॉर वॉल्यूम क्या होगा बोलो? होता है लेंथ का पावर क्यू, हो जाएगा एल क्यू। देखो यहाँ पे हमने मास और टाइम के लिए नहीं लिखा है, आप चाहो तो इसको एम का पावर 0, टी का पावर 0, एल का पावर 2 भी आप इसको लिख सकते हो। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए एम का पावर 0, टी का पावर 0, एल का पावर 3 भी आप इसको लिख सकते हो, समझे ना? तो ऐसे अपना कहानी ये सब चलता जाएगा। अब देखो डिमेंशन लिखने के लिए या तो तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे मेरा फॉर्मूला क्या है फ्रॉम द बेस, और तुमको वो फॉर्मूले को लेके जाना होगा तुम्हारा जो बेस क्वांटिटी है वहां तक, क्योंकि हमको जब तक बेस क्वांटिटी का पावर नहीं पता होता तब तक हम लोग डिमेंशन नहीं लिख सकते हैं। या तुमको अगर यूनिट पता है, यूनिट लेकिन यूनिट इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट, तो भी तुम उसका डिमेंशन लिख सकते हो। जैसे देखो कैसे हमको यहाँ ये पता था कि यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो क्या होता है कि मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो हमने ऐड किया उसके लिए आपका एल, और पर सेकेंड था, पर सेकेंड मतलब क्योंकि वहां पे टाइम से डिवाइड किया हुआ है तो सेकेंड होता है टाइम के लिए, तो मैंने यहाँ कर दिया टी का पावर -1। देखो या आप चाहो तो देखो यहाँ पे ये फोर्स के लिए, हमको जो फॉर्मूला था पता एम इंटू ए, तो मैंने उसको पहले चेंज किया है, ब्रेक किया है फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में, फिर उसका लिखा है डिमेंशन। अब देखो कि तुमको अगर फोर्स का खाली अगर यूनिट पता हो, तो अगर तुमको उसका फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन होता पता, तब तुम उसका डिमेंशन नहीं लिख पाते, क्योंकि न्यूटन इज जो होता है यूनिट, वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है, तो वो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में नहीं होता है। आप अगर बात करो इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो जो फोर्स का होता है यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स जो आपका होगा यूनिट ऑफ फोर्स, वो आपका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो केजी मीटर सेकेंड का पावर -2। अब देखो अब तुमको अगर ये पता है यूनिट, तो तुम भी यहाँ से इसका डिमेंशन लिख सकते हो। फॉर केजी हमने लिखा है एम, क्योंकि केजी क्या होता है, वो होता है यूनिट ऑफ मास, तो मास शो कर रहा था। मीटर लेंथ के लिए तो एल,
और सेकेंड का पावर माइनस टू तो होता टाइम के लिए, तो ठीक है पावर माइनस टू, समझे ना। तो अगर तुमको फोर्स का यूनिट न्यूटन में पता होता तो फिर तुम उसका डिमेंशन नहीं लिख पाते, लेकिन अगर तुमको उसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में पता है तो तुम भी उसका डिमेंशन वहां से लिख सकते हो, या अगर तुमको फॉर्मूला पता हो तब तो तुम लोग बिल्कुल ही उसको लिख सकते हैं। बोलो ठीक है कहानी नहीं है। देखो तो सबसे पहला है अपना एक्सेलरेशन, तो एक तो आप चाहो तो इसको पहले स्टेप बाई स्टेप आप इसको ब्रेक कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो होगा यूनिट वही होता है वेलोसिटी का। आप सिंपल इसको सिंपल टर्म्स में लिखो वेलोसिटी बाई टाइम। अब जो आपका वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम तो आपको हो जाएगा लेंथ, लेंथ बाई टाइम तो हो जाएगा लेंथ बाई बाई टाइम का होल स्क्वायर, तो लेंथ बाई टाइम का होल स्क्वायर, तो आपका लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे एल, और बाई टाइम का होल स्क्वायर था तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टी का पावर माइनस टू, है ना। तो इसका जो होगा डिमेंशन वो हो जाएगा एल टी का पावर माइनस टू। कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना भाई। या देखो अब मान लो कि हमको अगर वेलोसिटी का पहले से पता होता, हमको अगर वेलोसिटी का पहले से अगर पता होता, जो कि मैंने शायद तुमको अभी जस्ट बताया था कि क्या होता है कि हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का डिमेंशन इक्वल टू लेंथ बाई टाइम, तो लेंथ बाई टाइम मतलब क्या हो जाएगा एल टी का पावर माइनस वन। ये हमको पता है वेलोसिटी के लिए कि डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी बराबर लेंथ एंड टी का पावर माइनस वन। अब तो फॉर एक्सेलरेशन आपको फिर उतना लफड़ा नहीं करना होगा कि आप उसको चेंज करो बेस में जाके, आपको अगर एक का पता है तो फिर आप आसानी से और कर सकते हो। जैसे देखो कैसे हमने सीखा कि ए बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, आप इसको भूल जाओ अभी, ए बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, और हमने अभी जस्ट सीखा है कि फॉर वेलोसिटी क्या होता है एल टी का पावर माइनस वन। तो हम लोग लिखते सीधे कि वेलोसिटी का एल टी का पावर माइनस वन एंड वाई फिर से टी, देखो ये आपका एल टी का पावर माइनस टू आ जाएगा। मतलब कि आपको अगर एक का पता है, आप जिस चीज का फाइंड करने जा रहे हो, मतलब जैसे मान लो कि हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन का, तो हमने किया उसको रिलेट वो वेलोसिटी और टाइम से, वेलोसिटी बाई टाइम। तो अगर देखो यहाँ की हालांकि वेलोसिटी मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर हमको वेलोसिटी का डिमेंशन पता है तो हम सिंपल लिखेंगे वेलोसिटी का डिमेंशन और बाई उसमें टाइम वाले से और एक बार डिवाइड कर देंगे। या आप चाहो तो आपको ये भी यहाँ तक ही पता है कि फोर्स बराबर एम इंटू ए, फोर्स बराबर एम इंटू ए, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ए बराबर एफ बाई एम, आप यहाँ से लिख सकते हो ए बराबर एफ बाई एम। मतलब कि जो डिमेंशन ऑफ ए होगा वो होना चाहिए पक्का डिमेंशन ऑफ फोर्स बाई डिमेंशन ऑफ मास। सिंपल सी कहानी है, एकदम काम करना है फॉर्मूले से, फॉर्मूले पता है तो हमको कोई चाप नहीं है। और फोर्स का हमने तुमको फाइंड करके अभी सिखाया भी था कि फोर्स का होता है एम एल टी का पावर माइनस टू, तुम लोग इसको चेक करना। और बाई देखो तो ये जो मास का हो जाएगा एम, तो देखो एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा एल टी का पावर माइनस टू। तो आप कैसे भी सॉल्व करो आपका डिमेंशन चेंज नहीं करने वाला है, तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन फॉर्मूले में जो आपने टर्म यूज किया है उसका डिमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा मैं काफी सारे क्वेश्चन ऐसा लूंगा कि जहाँ पे मेरे को पहले से डिमेंशन पता रहेगा, तो फिर मैं उतना लफड़ा करके उसको बेसिक क्वांटिटी में ब्रेक करने नहीं जाऊंगा, मैं वहीं से काम करूंगा। ठीक है तो ये हो गया फॉर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपका है फॉर डेंसिटी, तुमको पता है मास बाई वॉल्यूम, सबको पता है मास बाई वॉल्यूम। अब क्या होगा तो मास का क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा एम एंड वॉल्यूम का एल का पावर क्यू, यहाँ से हो जाएगा एम एल का पावर माइनस थ्री। दिस इज द डिमेंशन फॉर डेंसिटी। नेक्स्ट है तुम्हारा मोमेंटम, वही होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हमने क्या सीखा अभी, मास का हमने सीखा है एम, और ये जो आपका होता है वेलोसिटी उसका होता है एल टी का पावर माइनस वन, हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे दिया है एम इंटू जी इंटू एच। अब देखो जी क्या है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो उसका डिमेंशन सेम ही आएगा। आप नॉर्मल लो एक्सेलरेशन कार का, या आप लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डिमेंशन चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मास का क्या होगा, मास का हो जाएगा एम, ये जो जी होगा तो वो था आपका एक्सेलरेशन, तो हमने पहले ही फाइंड किया है एल टी का पावर माइनस टू, तो एल टी का पावर माइनस टू। और एच क्या है, एच आपका हाइट है तो हो जाएगा लेंथ का, तो एल, तो देखो क्या हो बोला यहाँ से, आपका हो जाएगा एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू। एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू इज डिमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा एक बार फाइंड करते हैं डिमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए मैंने लिखा है फॉर्मूला के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ आपका हो गया कॉन्स्टेंट, तो उसका कोई भी डिमेंशन नहीं होगा। मास का हो जाएगा एम,
और भी का स्क्वायर था, तो भी का क्या होता है, भी का होता है एल टी का पावर -1, तो मैंने कर दिया इसका स्क्वायर। आप चेक करो तो इसका भी एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 ही आएगा, मतलब भले ही वो पोटेंशियल एनर्जी हो या हो काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी है तो उसका डिमेंशन सेम आएगा, समझे। यहां तक कि आप अगर वर्क डन का फाइंड करने जाओगे तो वर्क डन का भी आपका डिमेंशन एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 ही आएगा। तो वर्क डन का और एनर्जी आपका किसी भी टाइप का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपका, उसका यूनिट, यूनिट तो हम लोग जो करते हैं यूज जूल होता है, उसका ऐसा यूनिट, और उसका डिमेंशन सबका सेम होगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, पक्का। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अब करते हैं प्रेशर का। तो हमको पता है कि प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। अब फोर्स का हमने देखो तुमको फाइंड करके बताया था क्या होता है फोर्स का, एम एल टी का पावर -2, तो हमने लिख दिया फोर्स का डिमेंशन, डिमेंशन ऑफ फोर्स। देखो मैंने फोर्स का फाइंड किया था एम एल टी का पावर -2, हमने इससे पहले जब स्टार्टिंग में ही तुमको बताया था, तो एम एल टी का पावर -2 एंड बाई एरिया है नीचे डिवाइडेड बाई, तो उसको हो जाएगा एल स्क्वायर, तो मतलब एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, दिस इज द डिमेंशन ऑफ प्रेशर, पक्का ना, बोलो। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टाइम पीरियड। सबको पता है कि 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का तो टी ही होता है टाइम का, तो टी 1 बाई टी, या फिर हम इसे टी का पावर -1, तो टी का पावर -1 इज द डिमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब चलो देखते हैं वेवलेंथ। तो सबको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा वेवलेंथ का, तो ये कुछ, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस टू पिक के बीच का, तो ये डिस्टेंस है, तो इसका सिंपल हो जाएगा लेंथ, तो एल हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं है उसमें। नेक्स्ट है आपका पावर। अब हम जानते हैं कि पावर बराबर वर्क डन बाई टाइम, या फिर आपका हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, या आप एक और जानते हो कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो आप किसी भी फॉर्मूला से करना आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम करते हैं पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम से, तो हमने अभी जस्ट सीखा कि डिमेंशन ऑफ एनर्जी इज एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 एंड बाई टाइम, तो टी, तो इसका हो जाएगा, तो जो आपका पावर का आने वाला है वो आएगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -3। देखो नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ एनर्जिया, तुमको ये काफी अच्छे से करना है स्टडी, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के, तो फिलहाल मैंने उसका लिखा है फॉर्मूला, वो होता है मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो अपने को बस ये फॉर्मूला से काम चल जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो मास का क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा एम, और डिस्टेंस का होल स्क्वायर तो एल का पावर 2, तो एम एल स्क्वायर, एम एल का पावर 2 इज डिमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जिया। नेक्स्ट है तुम्हारा इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, तो अपना काम भी फॉर्मूले से ही हो जाएगा, और फोर्स का हमने क्या सीखा था, एम एल टी का पावर -2 एंड इनटू टाइम था, तो टाइम के लिए टी, तो ये आपका हो जाएगा एम एल टी का पावर -1 हो गया। देखो नेक्स्ट है एक टर्म तुम्हारा स्ट्रेस, जो कि तुमको इस तुम्हारे क्लास 11 सिलेबस में पढ़ना है स्ट्रेस अच्छे से, और स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स का हमने फाइंड किया था एम एल टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया एल का पावर 2, तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा एम एल का पावर -1 एंड टी का पावर -2। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो प्रेशर का भी यही डिमेंशन आया था, देखो तो ध्यान से, देखो ये वाला प्रेशर का भी यही डिमेंशन आया था, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2, एंड जो होगा डिमेंशन ऑफ प्रेशर वही होता है तुम्हारा डिमेंशन ऑफ स्ट्रेस। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का सेम डिमेंशन हो सकता है। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में है सेम डिमेंशन, तो ये तुम लोग अपने माथे में सेट कर लेना। ओके, तो स्ट्रेस का आ गया एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। अब देखो बात करते हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेन भी तुम्हारा एक टर्म है, वो तुम्हारा स्ट्रेस के साथ ही आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स। तो ये जो स्ट्रेन होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ, तो देखिए भाई चेंज इन लेंथ तो लेंथ ही होगा,
डिमेंशन ऑफ चेंज इन लेंथ का जो डिमेंशन होगा वो लेंथ का डिमेंशन ही होगा, मतलब ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो एल बाई एल कट जाएगा, तो स्ट्रेन का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेन इज डिमेंशनलेस, स्ट्रेस इज डिमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, ऊपर भी नीचे भी। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं चर्चा ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का हमने जस्ट अभी सीखा, एम एल का पावर -1, टी का पावर -2, और स्ट्रेन होता है डिमेंशनलेस, तो मतलब जो होगा स्ट्रेस का वही हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी। तो हमने यहाँ सीखा कि प्रेशर का, स्ट्रेस का एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तीनों का डिमेंशन सेम होता है, एम एल का पावर -1, टी का पावर -2। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। देखो नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डिमेंशनलेस। जैसे आप लिखते हो कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो साइन थीटा का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, साइन थीटा इज डिमेंशनलेस। क्यों होता है? क्योंकि वो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। देखो वो लेंथ का रेशियो है, तो लेंथ का ऊपर जो पी था वो भी होता है लेंथ, एल नीचे जो एच है वो भी होता है लेंथ, तो ये आपका हो जाएगा डिमेंशनलेस, नो डिमेंशन। सबका ऐसा ही होगा, साइन टैन कॉस आप कुछ भी ले लो, सबका सबका सब होता है डिमेंशनलेस। ओके ओके, मतलब कि हम लोग जो सीखते हैं कि वॉकडन बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो हम बोलेंगे कि डिमेंशन ऑफ वर्कडन इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, तो हम लोग उसको डिमेंशन काउंट करने में नहीं लेंगे, समझे ना। तो देखो तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, और एस क्या था, एस इज डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ ही है तो उसका एल हो जाएगा, और कॉस थीटा इज डिमेंशनलेस तो हमने वो नहीं लिया, तो यहाँ आपका आ जाएगा एम एल टू टी का पावर -2। और देखो ये आया है सिमिलर एज एनर्जी, और मैंने तुमको कहा भी था कि जो आता है डिमेंशन ऑफ एनर्जी वही तुम्हारा आता है वॉकडन का भी। देखो वो वहां से आया भी है एम एल टू टी का पावर -2। तो ये सब कुछ बातें हैं जो तुम लोग ऐसा यहाँ से समझ सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है। यहाँ तक कि आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल आप इसको बोलते हैं, जैसे बोलते हो 2 का पावर x, 3 का पावर x, वो भी तुम्हारा होता है डिमेंशन लेंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर आल्सो डिमेंशन लेस। चलो अब हम कुछ बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, जहां पे तुम्हारा एंगल से हम लोग घूमते हैं। तो वहां पे हम लोग जब घूमते हैं एंगल से, तो एक तुम्हारा आता है टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल से हम घूमे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा थीटा और थीटा से लिखते हैं, तो इसका चेक करते हैं क्या होगा डिमेंशन। मैंने तुमको कहा था कि इसका यूनिट तो होता है, ये तुम्हारा प्लेन एंगल का मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका यूनिट होता है रेडियन या फिर डिग्री जो हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं क्या इसे कोई डिमेंशन होता है क्या, तो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या जो आप बोलते हो एंगल, वो आप बोलते हो कि लेंथ ऑफ आर्क, आप बोलते हो आर्क लेंथ बाई रेडियस, आप यही बोलते हो आर्क लेंथ बाई रेडियस। अब जो आर्क लेंथ है वो भी आपका लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो लेंथ बाई लेंथ है, नो डिमेंशन। और सिंपल सी बातें याद रखना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, हाँ इसका यूनिट होता है। अगर प्लेन एंगल हुआ तो आपका हो जाएगा रेडियन या फिर डिग्री, और अगर सॉलिड एंगल हुआ तो उसका हो जाएगा स्टेरेडियन, लेकिन इसका कोई भी डिमेंशन नहीं होगा। और देखते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। इसका नाम तुम लोग शायद नहीं सुने हो पहले, लेकिन ये तुमको बहुत ही चर्चा आने वाला है। ये हम लोग बात करते हैं इन द केस ऑफ सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, सब तुम्हारा इनको बोलते हैं एंगुलर वेरिएबल्स। तो एंगुलर वेलोसिटी इसको हम लिखते हैं ओमेगा से, इसका मैं आपको फॉर्मूला बोल दे रहा हूँ। ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल, या इसको आप थीटा बाई टी भी बोल सकते हो। तो अभी हमने जस्ट सीखा कि थीटा का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, और टाइम का होता है डिमेंशन टी, तो 1 बाई टी, या आप इसको सिर्फ टी का पावर -1 भी बोल सकते हो।
एंगुलर वेलोसिटी का जो आया है डिमेंशन वो आया है टी का पावर -1, एंड दिस इज सिमिलर एज द डिमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी का कोई भी, हाँ नहीं, एंगुलर वेलोसिटी का डिमेंशन है टी का पावर -1। अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट का, देखो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इसके यूनिट का, तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर जो आपका डिस्प्लेसमेंट था उसका यूनिट होता है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका रेडियन में, तो उसका हो जाएगा यूनिट रेडियन में। मैं हम लोग फिजिक्स में जहाँ भी बात करते हैं हमारा यूनिट का वहाँ पे डिग्री नहीं लेते हैं, हमेशा हम लोग बात करते हैं इन द टर्म ऑफ रेडियन। तो रेडियन और जो टाइम होगा तो उसका हो जाएगा सेकेंड, और यहाँ पे टाइम क्या था, टाइम को हमने किया डिवाइड, हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी डिमेंशन नहीं था, एंगुलर वेलोसिटी का डिमेंशन है टी के पावर -1। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सलरेशन का, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फा से, और ये होता है आपका डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या इसको आप लिखते हो ओमेगा बाई टी। और क्या था, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने अभी जस्ट सीखा है कि डिमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज टी का पावर -1, और बाई टाइम का तो टी ही हो जाएगा, तो इसको आप लिख दो टी का पावर -2। तो टी का पावर -2 इज द डिमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सलरेशन। आप अगर बात करना चाहते हो इसकी यूनिट का, हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब बेसिक बातें हैं। चलो हमको फाइंड करना है कुछ, हमने तीन और लिए हैं फिजिकल क्वांटिटी, इनका फाइंड करना है डिमेंशन, और ये सब आते हैं तुम्हारे एंगुलर मोशन में। पहला हमने लिया है टॉर्क, तो तुमने टॉर्क का क्लास 10 में भी सीखा होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप वहाँ से भी इसका फाइंड कर सकते हो डिमेंशन। लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग करते हैं आइडिया, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। और आई क्या है, आई बोला है कि आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और अल्फा हमने जस्ट अभी सीखा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका यूज करके हमको फाइंड करना है डिमेंशन ऑफ टॉर्क। तो आई का क्या था, अगर थोड़ा सा याद होगा तो आई आया था फॉर्मूला फॉर आई इज एम आर स्क्वायर, और हमने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया का होता है डिमेंशन एम एल का पावर 2। और ये जो अल्फा है इसका हमने क्या सीखा अभी, टी का पावर -2। तो मतलब कि इसको कंबाइन करने के बाद जो आएगा आपका डिमेंशन ऑफ टॉर्क वो आ जाएगा एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। तो दिस इज द डिमेंशन ऑफ टॉर्क। और तुम ध्यान रखना कि ये जो टॉर्क का डिमेंशन है वो है इक्वल टू द वर्क एंड एनर्जी। तो कहीं कहीं तुमसे क्वेश्चन में आता है कि तुमको कैसा रहेगा ऑप्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सिमिलर डिमेंशन, तो उसमें तुम्हारा रहेगा वर्क और टॉर्क, या फिर तुम्हारा रहेगा एनर्जी और टॉर्क, तो वो तुम्हारा हो जाएगा आंसर एम एल टू टी के पावर -2। तो वर्क एनर्जी और टॉर्क का सेम होता है डिमेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लिखते हैं एल से, एल से इसको करते हैं डिनोट, और ये होता है आई इंटू ओमेगा। आई फिर से क्या हो गया तुम्हारा, आई फिर से हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया, उसका हो जाएगा एम एल का पावर 2, और ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका हमने जैसे क्या किया टी का पावर -1, तो हो जाएगा टी का पावर -1। तो मैं लिखूंगा एम एल टू टी का पावर -1 इज डिमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो हम लोग नॉर्मल सीखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वो होता है तुम्हारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब मेरा अपना कोई बॉडी ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन में होता है जैसे कार उड़ जा रहा है, और ये हम लोग सीखते हैं रोटेशनल, जब कोई बॉडी रोटेट करता है जैसे आपका पंखा घूम रहा है या साइकिल का पहिया जो घूमता है, तो उस केस में हम लोग फाइंड करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ पे ये आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ देखो तो फिर से कॉन्स्टेंट, तो उसका कुछ भी नहीं होगा। आई का क्या हो जाएगा एम एल का पावर 2, और ओमेगा का क्या होगा, हमने अभी जस्ट सीखा था कि डिमेंशन ऑफ ओमेगा इज टी का पावर -1, तो उसका स्क्वायर है टी का पावर -1 का स्क्वायर। तो इसको कंबाइन करने के बाद देखना आएगा आपका एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। तो देखो ध्यान से कि ये सिमिलर आ गया है कि डिमेंशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू द ट्रांसलेशनल के, जो हमने सीखा था हाफ एम बी स्क्वायर का, तो जो आया था हाफ एम बी स्क्वायर का वही आपका
रोटेशनल के ही का भी आया, तो डिमेंशन चेंज नहीं करने वाला है। आप किसी भी तरह का लो एनर्जी डिमेंशन आपका एम एल का पावर 2 टी का पावर माइनस 2 ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये हमने फाइंड कर लिया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, और मैंने बोला है कि फाइंड डिमेंशन ऑफ सर्कल वन, जिसको मैंने सर्कल किया है उसका आपको फाइंड करना है डिमेंशन। तो पहले तो आप उसको कर लो रीअरेंज, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसका भी फाइंड करना है डिमेंशन आप उसको लेके आओ एक साइड और बाकी सबको लेके चल जाओ एक साइड। तो मैं उसको लेके आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन इंटू एम टू। अब हमको लिखना है डिमेंशन ऑफ जी, तो डिमेंशन ऑफ जी मस्ट बी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन इंटू एम टू। तो सिंपल सी कहानी आपकी ये। अब सबका आप इंडिविजुअली लिखो डिमेंशन और आप उसको सॉल्व कर लो। तो एफ का हमने जस्ट सीखा भी क्या होता है, एम एल टी का पावर माइनस टू, और ये आर का स्क्वायर है, तो आर क्या होता है डिस्टेंस या लेंथ, उसको हो जाएगा एल का पावर टू। भाई देखो तो नीचे में मास इंटू मास है, मास इंटू मास है, तो इसका पहले मास का भी एम होगा और दूसरे का भी एम ही होगा। बस आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आने वाला है देखो तो एम एल का पावर 3 टी का पावर माइनस 2 ये रहेगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा एम का पावर 2। अब आप इसको और कर लो सिंप्लीफाई, तो तुम इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा एम का पावर माइनस 1 एल का पावर 3 एंड टी का पावर, नहीं, हाँ ठीक है, एम का पावर माइनस 1 एल का पावर 3 एंड टी का पावर माइनस 2। सो दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला फॉर जी, और जी क्या होता है सबको पता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो ये इसका डिमेंशन हुआ। अब ऐसे ही आप लोग जैसे मैंने बताया यूज करके तुम लोग कोशिश करो फाइंड करने का नंबर 2। तुम लोग नंबर 2 करो खुद से, फिर मैं तुमको नंबर 3 वाला बताता हूँ। तुम लोग नंबर 2 और ये नंबर 4 ये तुम लोग खुद से करो ट्राई, फिर मैं तुमको नंबर 3 बताऊंगा। ओके चेक कर लो आंसर। देखो तो हमको ये दिया था कि E बराबर H और इसको न्यू पढ़ते हैं, तो लोग अभी क्या पढ़ते हैं और क्या होता है उससे ध्यान मत ज्यादा, लेकिन ये जो तुम्हारा E था वो था एनर्जी, और ये जो V टाइप का तुमको दिख रहा था वो था फ्रीक्वेंसी, और ये जो H है तो इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तुमको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। तुमको फाइंड करना था डिमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ से पहले तो सिंपल इसको लिखेंगे फॉर्मूला में, तो वहां से आ जाएगा एच बराबर ई बाई, ये न्यू पढ़ते हैं इसको न्यू, और ये फ्रीक्वेंसी होता है। अब ई था तुम्हारा, ई क्या है, ई इज द एनर्जी, हमको उसका पता है डिमेंशन एम एल का पावर 2 टी का पावर माइनस 2 बाई, ये जो आपका क्या था न्यू है फ्रीक्वेंसी, तो उसको हमको पता है टी के पावर माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एम एल का पावर 2 एंड टी का पावर माइनस 1, ये तुम्हारा हो जाएगा डिमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, डिमेंशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तुम चाहो तो इसका लिख सकते हो यूनिट भी इस प्लैंक कॉन्स्टेंट का। तो देखो एच क्या आया था, एच आया था ई बाई न्यू, तो ई का होता है जूल, ई था एनर्जी, एंड बाई फ्रीक्वेंसी है, बाई फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स, तो ये जाएगा ऊपर, तो जाएगा जूल इंटू सेकेंड, तो जूल इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट, और डिमेंशन हमने फाइंड कर लिया। अब चलो आते हैं इस 3 नंबर पे। तो मैं 3rd नंबर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो पहले तो आप लिख लो के को, बाकी सब जो टर्म्स दिए हैं उनके उनके अकॉर्डिंग, तो आपका हो जाएगा के इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू वन इंटू क्यू टू। अब हमको एफ का पता है डिमेंशन, आर तो लेंथ है उसका पता है, लेकिन देखो यहाँ पे चार्ज है, क्यू वन और क्यू टू चार्ज होता है, तो हमको चार्ज का डिमेंशन पता करना होगा, एंड चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो पहले हमको इसका डिमेंशन लिखना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि चार्ज बराबर करेंट इंटू टाइम, करेंट इंटू टाइम, एंड करेंट एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल, तो हम लोग लिखेंगे कि डिमेंशन ऑफ चार्ज इज ए इंटू टी, ए टी, ए टी इज द डिमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो ये तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा, तो फोर्स का हमने फाइंड किया है एम एल टी का पावर माइनस 2, ये आर स्क्वायर का हो जाएगा एल का पावर 2,
और जो आपका Q1 Q2 है तो दोनों आपका चार्ज ही है, तो हो जाएगा चार्ज का स्क्वायर, तो चार्ज का स्क्वायर तो रख सकते हैं हम लोग 80 का पावर 2। अब बस इसको करो सिंप्लीफाई, तो यहाँ से हो जाएगा ML का पावर 3, T का पावर -2 डिवाइडेड बाई A² एंड T²। इसको मैं जब और करूँगा सिंप्लीफाई तो आ जाएगा ML का पावर 3, A² -2 एंड T² -4। तो दिस इज द डिमेंशन ऑफ के, और के आपको ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लास 12 में, के एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि इफ K = 1/4 pi epsilon naught, ये जो K का आपने फाइंड किया है अभी डिमेंशन, उस K का वैल्यू होता है 1/4 pi epsilon naught, तो आपको फाइंड करना है डिमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत ही आसान है, 4 और पाई का कोई भी डिमेंशन नहीं होता है, तुमको बस यहाँ लिखना होगा फाइंड करना है एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग अपना दिमाग लगाना, बहुत एकदम बहुत आसान है सॉल्व करना है इसको। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तुमको भी नहीं जानना है, लेकिन अगर तुमको कहीं क्वेश्चन में नाम मेंशन रहे तो जान लो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो मैंने के का फाइंड कर लिया, तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुमको फाइंड करना है डिमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, वो दिया है F = -, इसको हम पढ़ते हैं ईटा, जो आपको ये दिख रहा है ना एन जैसा, इसको हम पढ़ते हैं ईटा -NA dV/dx, और तुमको फाइंड करना है डिमेंशन ऑफ यही ईटा। एक्चुअल में ये होता है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, कुछ नए नए टर्म्स आ रहे हैं जो कि तुमको आगे चैप्टर्स में पढ़ने हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ये आता है इन चैप्टर ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे हम लोग लिक्विड पढ़ रहे होंगे, फ्लूइड पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे तुम्हारा आएगा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमको फाइंड करना है उसका डिमेंशन, तो पहले मैंने उसको किया रीअरेंज, हो जाएगा N = देखो F · dx/dv/a। अब हमको ऐसा मिल गया सब चीज, अब हम लोग यहाँ से इसका डिमेंशन फाइंड कर सकते हैं। dx क्या है, चेंज इन लेंथ या चेंज इन डिस्टेंस, तो जो होता है डिमेंशन ऑफ डिस्टेंस या लेंथ वही वही होता है चेंज इन लेंथ का भी। डीवी है चेंज इन वेलोसिटी, तो जो होगा डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी वही आपका हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का भी, उसमें कोई चाप नहीं है। फोर्स का मैंने लिखा पहले ML T का पावर -2, फिर है dx, तो लेंथ ही था तो उसको हो जाएगा एल बाई एरिया का होता है L² और ये जो आपका dv था वो होता है वेलोसिटी, तो L T का पावर -1। अब बस तुमको इसको करना है रीअरेंज। देखो तो मैं करता हूँ, तो ML² T² डिवाइडेड बाई L³ एंड T² -1, तो ये हो जाएगा ML² -1 एंड T² -1। दिस इज द डिमेंशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। वो माइनस साइन से अपने देखो, वहाँ पे एक फॉर्मूला में माइनस साइन भी था, तो उससे मेरे को कोई साइन से कोई मतलब नहीं था, डिमेंशन वेंशन फाइंड करना है मेरे को। तो ये आपका आ गया डिमेंशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी N L का पावर -1 T का पावर -1, सबका आया था। ठीक है, तो मैं दो चार क्वेश्चन देता हूँ फॉर होमवर्क, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करना। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसमें सर्कल किया हुआ है उसका फाइंड करना है डिमेंशन। मैंने सबका नाम भी लिख दिया है कि उसको क्या क्या बोलते हैं जिसका डिमेंशन फाइंड करना है, तुम लोग फाइंड करना, और साइड में मैंने आंसर भी लिख लिया है, तो पहले तुम लोग खुद से कोशिश करना, उसके बाद आंसर चेक करना, और नहीं कुछ आंसर मैच करे या कुछ डाउट हो तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स, हाँ कुछ टर्म्स, हाँ बोलो, हाँ उसका नाम है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो क्यू है ना, वो क्यू है तुम्हारा हीट एनर्जी, एंड वो अगर एनर्जी है तो उसका होगा डिमेंशन N L का पावर 2 T के पावर -2। देखो इस क्वेश्चन से पहले भी 2 बार हमने यूज किया है हीट एनर्जी, तो हर जगह तुम लेना N L का पावर 2 T के पावर -2, और डी तुम्हारा लेंथ है, डी है तुम्हारा लेंथ,
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए है एरिया, और ये टी वन माइनस टी टू है चेंज इन टेम्परेचर। तो जो होता है डिमेंशन ऑफ टेम्परेचर वही होता है चेंज इन टेम्परेचर का भी, मतलब उसका थीटा होगा पूरे पूरा, और डेल्टा टी का थीटा ही हो जाएगा डिमेंशन, और ये टी तुम्हारा टाइम है। ठीक है, अब बोलो। हाँ, ठीक है। आप तुम लोग सॉल्व करना और आंसर भी लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा डिमेंशन। ठीक है।